अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं कोई रेसिपी नहीं बनाने जा रही, बल्कि बेनिफिट्स बताने जा रही हूँ ऑरेंजेस के, स्पेशली ऑर्गेनिक ऑरेंजेस के, जो घर के हों या बाज़ार के हों। ऑर्गेनिक जो होते हैं, जो घर के होते हैं, उसमें ये फ़ायदा होता है कि उसके अंदर कोई भी, हम लोगों ने इसे स्प्रे नहीं किया होते ना, तो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। खैर, ऑरेंजेस हैं, किसी भी फॉर्म में खाएँ, बहरहाल इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड, तो अल्लाह ताला की ये नेमत है, अल्लाह सुबहान व ताला की। तो मौसम है ऑरेंजेस का, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑरेंजेस को इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसका जूस बना के पिएं। सबसे बेस्ट तो यही है कि इसका आप जो है विद पल्प इसका चाहे जूस पिएं या ऑरेंजेस को खाएं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी है, फाइबर है, ठीक है, पोटेशियम, पेक्टिन है और पॉलीफिनॉल्स हैं। दीज आर ऑल रियली रियली गुड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है, जूस बना के पियो। अच्छा, और इसमें विटामिन सी है और जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑरेंजेस अगर जितना हम लेंगे, एक तो ये कैंसर को प्रिवेंट करता है, स्ट्रोक को कम करता है, डायबिटीज़ को कम को रोकता है, हार्ट डिजीज़ से हमें बचाता है। और अगर हमें डायबिटीज़ है तो उसको मतलब के कम करने में हेल्पफुल होता है, और अगर नहीं है तो वो होने से रोकता है। तो इट्स मीन इज़ डैट कि इन दोनों कंडीशंस में इट गोना बी रियली हेल्पफुल। अच्छा, और इसके पल्प के अंदर सबसे ज़्यादा जो है, इसके पल्प के अंदर विटामिन सी है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो विदाउट पल्प इसका जूस पीते हैं, तो ये मैनुअल पल्प जो जूसर होते हैं ना, मैनुअल जूसर, वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू डैट कि जिसमें हम लोग इसका पल्प भी थ्रो कर देते हैं, तो इट्स गोना बी रियली हेल्पफुल। अच्छा, और इसके पल्प अगर आप लेते हो तो ये हमें कॉन्स्टिपेशन से भी बचाता है, बिकॉज इट्स हैव फाइबर। तो डेफिनेटली किसी भी चीज़ में जब फाइबर होता है तो वो हमें कॉन्स्टिपेशन, अगर आपको ये इशू है तो आप ये ज़रूर लें, क्योंकि जो ऑरेंजेस हैं वो हल्के से खट्टे होते हैं, तो यू कैन ऐड शुगर इन इट और यू कैन ऐड ब्लैक सॉल्ट इन इट, तो इट कैन गिव अ रियली रियली गुड फ्लेवर। तो सर्दियाँ हैं और इसका मज़ा लें, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये हम लोगों को बहुत बड़ी नेमतें दी हैं। तो हर मौसम का फल ज़रूर खाएं और ऑरेंजेस ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपनी रूटीन में इसका हिस्सा बनाएं अपनी रूटीन का। और ऑरेंजेस के जो पील ऑफ होता है वो भी जो है वो कैंसर की प्रिवेंशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये बस थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, मैंने ऑरेंज जूस बनाया था तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया।